आज की क्लास में हम आपके साथ बात कर रहे हैं इफ कंडीशन एंड लूप्स के बारे में। तो दोनों हम पैरेलल लेकर चलेंगे ताकि समझ में आपको आएगा। हालांकि हमने लूप के बारे में एक एग्जांपल और दिया था शुरुआती क्लासेस में जब हमने प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ हम कंडीशन और लूप दोनों साथ में आपको सिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो आपके पास डेटा है और डेटा में यहाँ पे मैं जैसे इंसेंटिव निकाल रहा। कंडीशन ये है कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे मुझे 500 का इंसेंटिव देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। इसके लिए जनरली हम इफ फॉर्मूला लगाते रहे, बट हम इफ फॉर्मूले से नहीं, हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग से करना चाहते हैं। तो यहाँ विजुअल बेसिक भी क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, और यहाँ मैं इसको डुअल स्क्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल्स पे आ गए, यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो कंडीशन है ये क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं डिम सेस एस एज ए लॉन्ग और डिम आर एज ए ऑल्सो लॉन्ग। हालांकि यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफाइन करता हूं ताकि आपको वेरिएबल्स का यूज पता चले और आप इसके लिए फैमिलर हो। तो एस इक्वल टू हमने किया रेंज ए टू डॉट वैल। अब यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन आर इक्वल टू 500। अब यहाँ पे हमने एक ही लाइन में कंडीशन लगा दिया कि अगर एस ग्रेटर देन 50 है तो आर इक्वल टू हमारा 500 होना चाहिए। फिर यहाँ पे रेंज हमने किया बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब इसको एक बार हम रन करेंगे तो रन करते ही रिजल्ट सिर्फ एक सेल में, क्योंकि मैंने अभी एक सेल से इनपुट लिया, कंडीशन लगाया और एक ही सेल को आउटपुट किया। ऐसे मुझे सबको करना है। अब यहाँ पे मैं एक एक इतना सारा कंडीशन अगर एक एक सेल के लिए करूंगा तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी, ये पॉसिबल है, फिर मैनुअल हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ हम इसको हमें रन करना है कितना बार, 2 से लेके 12 बार। जैसे कि मैंने आपको फोर लूप के बारे में बताया था, चलिए एक बार और बता देता हूँ फोर लूप के बारे में। जैसे यहाँ पे एम एस जी बॉक्स और यहाँ पे मैंने लिखा हाय। अब मैं इसको रन करूंगा तो हाय सिर्फ एक बार दिखेगा, लेकिन मुझे इस हाय को 3 बार देखना है, चाहे 4 बार दिखना है, तो इसको कॉपी पेस्ट 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 4 बार कर दिया तो यहां से देखिए हाय 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 4 बार दिखा। बट अगर 400 बार होता तो 400 बार पेस्ट करना होता। तो यहाँ पे सिंपली हम लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 4 और यहाँ पे नेक्स्ट आई। अब फोर और नेक्स्ट के बीच में जो भी होगा वो कितना बार चलेगा, वो चलेगा 4 बार। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे गिनती भी दिखे, तो ये जो आई है एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे एस आर इस है ना, ऐसे वेरिएबल है। जिस कारण से इसको हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहां हमने 10 इसके साथ इसको स्पेस दिया यहाँ पे और कॉन्केट कर दिया आई। तो यहाँ आप देखेंगे कि आई हाई 1 हाई 2 हाई 3 हाई 4 इस तरह से दिखा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे हम पूरे कोड को लूप में डालते हैं कि 4i इक्वल टू 2 to 12 और यहाँ हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट आई, और जहां जहां हमें 2 दिया था वहां वहां हम कॉन्केट कर देते हैं किसको, आई। यहां भी हम कॉन्केट कर देते हैं आई को।
इससे क्या हुआ कि ए और आई मिलके यहाँ पे, अगर मैं इसको रन करता हूँ वन बाय वन तो आपको समझ में आएगा। तो रन किया मैंने, यहाँ पे आई क्या है, टू है, क्योंकि आई टू से स्टार्ट हुआ है इसलिए यहाँ पे आई आपका टू है, दिख रहा होगा वो टू। और ए और टू, ए और टू मिलके बना ए टू, ए टू की वैल्यू जो 85 है वो कहाँ चली गई, एस के ऊपर। अब इसने चेक किया कि एस क्या ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है तो आर इक्वल टू 500 यहाँ पे हो गया और नेक्स्ट आर करके रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब आई जो है 3 हो गया, 3 की वैल्यू यहाँ डाला, अब 3 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर इक्वल टू 500 है, अब 3 की वैल्यू इसमें 25 नहीं है तो बाहर आ गई है, बट आर जो है अपना जो पिछला 500 है उसको तो खाली किया ही नहीं। उसको तो खाली किया ही नहीं, जिस कारण से ये देखिए 500 यहाँ पे दे दी। तो यहां मुझे एल्स लगा, देखिए जब आपके पास सिंगल रिजल्ट और सिंगल कंडीशन हो तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे मुझे आर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब इसको रन करके देखिए, यहाँ पे जहां जहां वैल्यू था सब जगह पे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन देना है कि अगर लेस देन 50 हुआ तो मुझे यहाँ पे 100 देना है, तो कंडीशन जो है वो सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें एल्स ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, एल्स। हाँ, हमने टू दिया, अब यहां से मुझे इसको तोड़ना होगा और यहां पे एल्स और यहां पे आर इक्वल टू 0 या 100 और फिर यहां पे मैं एंड इफ करूं। अब यहाँ पे कंडीशन हो फिर भी आर के ऊपर कोई कुछ ना कुछ स्टोर होगा, कंडीशन नहीं होगा फिर भी आर के ऊपर स्टोर होगा, तो आर इक्वल टू 0 करने का कोई तात्पर्य यहाँ पे नहीं रह जाता। अब मैं इसको रन करता हूं, अब यहाँ रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 500 100 500 100 यहाँ पे शो हुआ। तो दो चीजें आपने देखा, जब आपके पास सिंगल रिजल्ट और सिंगल कंडीशंस हैं तो आप इफ को डायरेक्टली एक लाइन में लगा दीजिए, लेकिन आपके पास एल्स हो या मल्टीपल कंडीशंस हो तो यहां लगा सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन का मतलब कि मैं चाहता हूं कि जो रेंज है उसको ए करना, फॉर्मेट करना जो नहीं मिला उस, तो यहां पे मैं लिखूंगा रेंज, रेंज में मैंने ए दिया। अब रेंज भी लिख सकते हो, यहाँ पे सेल भी लिख सकते हैं कि सेल्स, सेल्स में हमने बोला आई हमारा रो है और कॉलन हमारा वन है, डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी भी है। इससे क्या हुआ कि एक कलर भी करता चला जाएगा, देखिए। तो मल्टीपल कंडी मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे एल्स के अंदर हम डाल सकते हैं इस रिजल्ट से। अब चलिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे इस बार जो हम डालने वाले हैं यहाँ पे, इस बार मैं थोड़ा सा कंडीशन डबल कर देता हूं, इसमें कंडीशन जो है वो मल्टीपल कर देता हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो ए है रेंज है वो 12 फिक्स ना हो, ये 12 बढ़ते घटते रहता है तो जैसे जितना है उतने हिसाब से ले। और यहाँ पे कंडीशन मैं ये करता हूँ कि अगर 50 to 80 हुआ तो मैं यहाँ पे 500 देना चाहूंगा, अदरवाइज 100 देना चाहूंगा। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट इफ, इफ का हमने यहाँ पे तीसरा नंबर मैक्रो बनाया, और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डिम एस कॉमा आर एज ए लॉन्ग, दोनों एक ही टाइप का है तो दोनों इकट्ठा हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं फोर आई इक्वल टू चले टू, क्योंकि हमारा डेटा टू से शुरू है, वन तो हेडिंग है इसलिए हमने टू से शुरू किया।
और 2 से कहाँ जाए, अब ये 12 कैसे पता चलेगा। तो सिलेक्शन मेथड वाली क्लास में जो मैं बताया था वो चीज यहाँ पे यूज करेंगे कि रेंज A65000.n एक्सेलेस ऑफ डॉट एक्सेलेस ऑफ डॉट रो हमने यहाँ पे कर दिया। फिर क्या करेगा कि यहाँ पे A65000 पे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा और इसकी जो रो नंबर 12 है ये दे देगा लूप को। तो ये क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। देन नेक्स्ट आई करते हैं और इसी के अंदर हम अपना कोडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दो मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इफ इफ नहीं तो इसे स्टोर करना पड़ेगा डेटा को। एस इज रेंज, सेल भी ले सकते हैं यहाँ पे हम, सेल्स आई हमारा रो हो जाएगा और 1 हमारा कॉलम हो जाएगा डॉट वेल। सॉरी यहाँ पे करेंगे इफ एस इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एस इज लेस देन इक्वल टू 80। अब यहाँ पे दो कंडीशन होने पे हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे एंड इफ, एल्स करना ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करते हैं आर इक्वल टू 500 और यहाँ एल्स आर इक्वल टू 100 और यहीं पे हम एंड इफ कर देते हैं एंड। अब इसको रन कीजिए, लेकिन रन करने से पहले तो हमें वैल्यू देना पड़ेगा ना, देखिए स्टोर कहाँ करेगा। तो हमने यहाँ पे सेल्स आई कॉमा कॉलम 2 कर लेते हैं, 1 से डेटा उठाया है, कॉलम 2 मतलब बी है हमारा, डॉट वैल्यू इक्वल टू हम यहाँ पे आर कर देते हैं। रन करते ही आप देखिए ये आपका डेटा आ गया। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसमें एंड में सी। जैसे मैं यहाँ पे नेम है हमारा और यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मतलब एक मेरे पास रिजल्ट सीट आया हुआ है, 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे रिजल्ट देना है बंदों को। तो मुझे यहाँ पे फिलहाल तो पास और फेल करना है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सारे के सारे सब्जेक्ट अगर 30 से ऊपर है तो पास होगा अदरवाइज फेल होगा, सारे रिजल्ट अगर 30 से ऊपर है तो पास अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट इफ अंडर यहाँ पे सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर 5 ब्रैकेट ओपन ओपन क्लोज, और यहाँ पे सबसे पहले करते हैं डिम। अब यहाँ पे मुझे सारे सब्जेक्ट लोड करने हैं, तो 4 सब्जेक्ट है
तो मैं यहाँ पे एरे का इस्तेमाल करूंगा, जैसे एरे भी समझ में आएगा। तो हमने एस के अंदर बोला 1 2 4 एज ए लॉ, और फिर डिम आर एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि क्या होगा, पास और फेल होगा रिजल्ट, इसलिए स्ट्रिंग हो गया। अब सारे सब्जेक्ट को लोड करने की बात आती है। फिर सबसे पहले तो फोर लगाते हैं कि 4i = चले 2 to 8, और यहां पे नेक्स्ट। अब यहां पे एक और इसी के अंदर में मैं एक और लूप लगाऊंगा कि 4j = चले 2 to, मैं 2 रो से 2 3 4 5, 5 कॉलम, और नेक्स्ट आए। और यहां पे हम करेंगे एस, एस के अंदर हम करेंगे j-1, क्यों, क्योंकि j तो 2 होगा ना स्टार्टिंग में, लेकिन यहां तो हमें 1 to 4 चाहिए ना इसके अंदर। इक्वल टू हमने यहां पे लिखा सेल्स, सेल्स के अंदर में आई रो हो जाएगा, j कॉलम हो जाएगा, सिंपल सा। और यहां पे नेक्स्ट जे कर देते हैं। अब यहां पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ एस अंडर, यहां पे S1, एस में पहला सब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 30 एंड दूसरा सब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड एस के अंदर तीसरा सब्जेक्ट इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और फिर अगेन एंड एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एस नहीं होगा, एस के अंदर चौथा नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन। तो सारे सब्जेक्ट को इस तरह से मैंने लगा दिया, कंडीशन दे दिया। अब हमें यहाँ पे आर के ऊपर पे देना है पास, और यहाँ पे एल्स आर इक्वल टू फेल, फेल, और फिर यहाँ पे एंड इफ, फिर यहाँ पे सेल्स, सेल्स के अंदर हमने बोला आई कॉमा और 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब इसको रन कीजिए, मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं होना चाहिए, पास और फेल आ गया। इस कोड में कोई दिक्कत आप लोगों को? एक बार सर, वो एस से फोर एस से फोर जो डबल जो प्रूफ डबल लगाया ना, प्रूफ वहां लगाया से था वहां समझा से देना। समझा देना, कहाँ से डबल लूप? जहाँ डबल लूप डबल लूप लगाया लगाया। जिगर अब सर, चलिए, जिगर सर। हाँ डबल लूप लगाया इसमें। एक मिनट सर, अब देखिए ये जो लगाया, अब इसी को हम दूसरे तरीके समझाते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि हमने वहां पे एरे क्यों लगाया। ठीक है, तो यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर 6 ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि डिम ए सब्जेक्ट 1 सही रहेगा, सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 कॉमा सब्जेक्ट 3 कॉमा सब्जेक्ट 4 एज एज ए लॉन्ग। ठीक है, 4 सब्जेक्ट ले लिए। अब यहां पे लूप लगाते हैं कि लूप आई इक्वल टू चले 1 2, 1 2 है ना, 2 2 8, स्पेस देना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट आई कर दिए। सबसे पहले हम सारे सब्जेक्ट को लोड करेंगे कि S1 = range, या range या sales भी लगा सकते हैं, sales,
सेल्स में आई रो एंड कॉलम जो होगा वो टू होगा, टू बी कॉलम है इसलिए टू पहले सब्जेक्ट। फिर इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट पेस्ट पेस्ट, चार बार पेस्ट किए, एस वन जो है एस टू हो जाएगा, सब्जेक्ट टू और एक कॉलम नंबर थ्री हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट फोर हो जाए, सब्जेक्ट थ्री हो जाएगा और यहाँ पे कॉलम नंबर फोर हो जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका फोर होगा, यहाँ पे कॉलम नंबर फाइव होगा। तो जो मैंने यहाँ एक एक करके वेरिएबल पर असाइन किए ना सर, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लूप में ले लिया। हमने बोला कि एक वेरिएबल ले लिया जो एरे है जो कि एक साथ कई सारे वैल्यू को स्टोर करता है, तो हमें एक तो फायदा हुआ कि ये जो चार अलग अलग वेरिएबल डिफाइन नहीं करने पड़े, ये मेरा एक ही वेरिएबल वर्क कर गया, ठीक है। दूसरा हुआ कि यहाँ पे जो हमने 4j का लूप लगाया, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से अलग अलग असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम यहाँ एक लूप में असाइन कर लिए। अब यहाँ पे चार था इसलिए मैनुअली कर लिए, 40 होता तो मुश्किल होता, बट यहाँ पे चार हो या 40 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझे। गुड आउट इसमें सर। ओके सर, नो सर, अब नो सर, यहां जो है हम कंडीशन देंगे कि इफ एस वन एंड एस टू एंड यहाँ पे एंड एस थ्री यहाँ पे एंड एस फोर, बट क्या एस फोर कंडीशन तो देना पड़ेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 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 देन यहाँ पे आर इक्वल टू पास और यहाँ पे एल्स आर इक्वल टू फेल और यहाँ पे एंड और फिर लास्ट में सेल्स, सेल्स में आई कॉमा सिक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। तो ये तरीका भी है, तो ये तरीका है कि चार, ये जो तरीका है कि चार पांच अगर सेल है, चार पांच अगर सब्जेक्ट है तो देन ओके, लेकिन जब आपको 30 40 50 कंडीशन मैच करने होंगे या 30 40 50 चाहिए होगा तो ऊपर वाला तरीका सही रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आप एंड के बारे में समझ गए। अब चलिए हम और को भी देख लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे डे है, डेट है, क्या है डेट है, और यहाँ पे हमने आज अगस्त का ही डेट डाल देता हूं मैं। अब यहाँ पे मुझे ऑफिस का स्टेटस शो करना है, क्या शो करना है ऑफिस स्टेटस, तो कंडीशन ये है कि अगर सैटरडे एंड संडे हुआ, सैटरडे एंड संडे हुआ तो यहाँ पे आना चाहिए वीकेंड या ऑफ, अदरवाइज ओपन होना चाहिए, सिंपल बी कॉलम। तो यहाँ पे हम और का इस्तेमाल करेंगे, चलिए वही चीज आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर सेवन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू, चले वन टू, वन नहीं टू होगा, टू टू। अब इसको ऑटोमेट कैसे करना है उन्होंने बता रखा है, मैं यहाँ पे मैनुअल ले रहा हूँ। नेक्स्ट आई, अब यहां हमें क्या करना है, हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट एक डेट है, तो यहाँ पे डिम डी एज ए डेट करेंगे और यहां पे लिखेंगे डी इक्वल टू सेल्स आई रो वन कॉमा डॉट वैल्यू, लेकिन मुझे तो सैटरडे संडे चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक डीम करके एक एस एज ए स्ट्रिंग करूंगा और ओपन क्लोज देना है, तो यहाँ पे एस कॉमा एस टी स्टेटस के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे एस इक्वल टू फॉर्मेट,
एक फॉर्मेट फॉर्मूला होता है जो कि जैसे एक्सेल टेक्स्ट वर्क करता है, टेक्स्ट फॉर्मूला ऐसे यहां वर्क करता है कि डी कॉमा इसमें 3 बार DD कर दिया तो संडे मंडे ट्यूजडे के फॉर्मेट में आएगा। अब यहां पे कंडीशन लगाएंगे कि एफ एस इज इक्वल टू सैटरडे, वेरिएबल में केस सेंसिटिव होता है ध्यान रखिएगा, और एस इज एस इक्वल टू संडे, देन एस टी इक्वल टू ऑफ, और एल्स के अंदर एस टी इक्वल टू ओपन, और यहां पे एंड इफ, और लास्ट में सेल्स आई रो एंड कॉलम नंबर 2 इक्वल टू एस टी। अब इसको रन कीजिए कि आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो जब दो कंडीशन हो, अब एंड और के बारे में समझ लीजिए, एंड और का इस्तेमाल कब होता है। देखिए एंड का इस्तेमाल होता है जब दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन, सारे कंडीशन रिक्वायर्ड हो कि भाई ये होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में 30 ऊपर होना चाहिए, ये 50 to 30 के बीच में होना, 80 के बीच में होना चाहिए, तो उस केस में एंड का इस्तेमाल किया। और का इस्तेमाल होता है कि कोई एक ही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, अब एक ही सेल पे दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो यहां पे हमने क्या कर दिए, और लगा दिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने मल्टीपल कंडीशंस के बारे में। जैसे वापस आते हैं हमने सीट वन, बोलिए। सर, मुझे पूछना था एक्चुअली फॉर लेमेन, मुझे आई नो दैट वन थिंग, मुझे पता चली कि डिम आई हैव टू डिक्लेयर समथिंग, उसके बाद कौन से स्टेप्स लेने हैं उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कैन यू एक्सप्लेन दैट? सर क्या क्या किस क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि आई हैव टू डिक्लेयर समथिंग, डिम आपने डिक्लेयर इन मेमोरी, वो मुझे समझ में, उसके बाद कौन से पॉइंट हमें कंसिडर करने हैं फॉर अ प्रोग्रामिंग पर्पज मुझे करने हैं, तो वो मुझे स्टेप समझना है। तो सर वो तो आपके एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसी चीज से, ध्यान रखिए ध्यान रखिए ध्यान रखिए। अब मुझे जो करने हैं यहाँ पे एक बार समझिए, पूरे कोड समझिए तो पता चलेगा क्या करना है। ये आपकी प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम समझना है। प्रॉब्लम ये है कि अगर लेस देन 50 है तो मुझे 100 देना है, और ग्रेटर देन है तो मुझे लेस देन ग्रेटर देन 50 तो 500, एंड लेस देन 50 तो 100 देना है। ये पता चल गया सर कहाँ देना है। वो सर आई नो दैट रिजल्ट, मतलब मुझे स्टेप्स कौन से फॉलो करने, जैसे मुझे मेमोरी डिक्लेयर करनी मुझे है, फिर कंप्लीट स्पेस करने मुझे। कंप्लीट करने दीजिएगा सुरेंद्र जी, ओके सर, ओके ओके कंप्लीट करने दीजिए। अब एक ही बार थाने में जब बताऊंगा तो स्टार्ट टू एंड बताऊंगा ना, बीच में से बता दूंगा समझ में आया नहीं आएगा। देखिए तो पहले आपको ये डिक्लेयर करना है कि आपके पास आपको चाहिए क्या, उसके बाद उस काम को आपको करना है मैनुअली एक्सेल। तो मैनुअली एक्सेल पे मैंने किया कि इफ दैट इज ग्रेटर देन 50 तो यहाँ पे 500, अदरवाइज 100। तो हमें ये पता चल गया कि ये चीजें इफ कंडीशन से होगी, किससे होगी, इफ कंडीशन से होगी, और मुझे इन सारों के लिए करना है तो मुझे इस इफ कंडीशन को बार बार रिपीट करना है। यहाँ पे दो चीज समझ में आया कि मुझे लगा इफ कंडीशन यूज करना है, और मुझे यहाँ इस ऑप्शन इस प्रोसीजर को बहुत सारे सेल्स के लिए रिपीट करना है, तो मैं यहाँ डिक्लेयर किया है कि मुझे यहाँ पे लूप और इफ दोनों लगाने। ओके, ये समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी बात है क्योंकि मुझे इस कंडीशन को कई बार रिपीट करना है तो मुझे इसके लूप के अंदर डालना होगा, तो सबसे पहले हम लूप को लगाएंगे क्योंकि लूप प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है। तो हमने लूप डिक्लेयर कर लिया। लूप डिक्लेयर करने के बाद हमें इफ कंडीशन लगाना होगा। अब इफ कंडीशन लगाने के लिए हमें पहले इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनपुट का टाइप देख लिया कि इनपुट का टाइप क्या है। तो इनपुट का टाइप जो मेरा है वो मेरा लॉन्ग टाइप है, तो मैंने यहां पे लॉन्ग ले लिया, इंटीजर टाइप है, इंटीजर डिफाइन कर लिया। फिर मैंने इनपुट लिया ताकि मैं उस पर कंडीशन लगा सकूं, क्योंकि कंडीशन डायरेक्ट तो नहीं लगेगा ना। जैसे यहाँ पे इफ फॉर्म लगाया तो इसमें हमने A2 इनपुट लिया ना सर, तो ऐसे VV में मुझे इनपुट लेना है। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ इस तरह से बनाना है ताकि हर सेल पे चले, क्योंकि मैं हर सेल के लिए इंडिविजुअली प्रोग्राम नहीं कर रहा,
इसलिए हमने लूप जो लगाया था उसमें सीक्वेंस चलता है, और सीक्वेंस हमारे रो नंबर से मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 to 12 किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉनकेट कर दिया ए के साथ आई, ताकि फर्स्ट टाइम A1 A2 होगा, A3 A4 होगा, तो इनपुट मेरा सिक्वेंसली आता रहेगा। देन मैंने अपना कंडीशन लगाया और रिजल्ट को एक वेरिएबल के ऊपर होल्ड कर दिया। फिर अगर होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने होल्ड करने की आदत इसलिए रखी ताकि हो सकता है कि इस रिजल्ट के साथ आगे कुछ और कैलकुलेशन हो, इसलिए हमने वेरिएबल पे होल्ड किया। जब रिजल्ट होल्ड हो गया तो मुझे फाइनली अपने एक्सेल सीट पे रिजल्ट को आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे रेंज दिया कि बी कॉलन में 1 2 3 4 जाते हुए रिजल्ट को आउट करें। तो आपको पहले मैनुअल करना है, देन आपको जो है वन बाय वन स्टेप लेना है। अब चलिए इसको एक और लाइव एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो अब प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है। मैंने अभी अभी आपको एक अटेंडेंस शीट के बारे में सॉरी रिजल्ट शीट के बारे में बताया। तो यहाँ हमने रिजल्ट शीट में जो एरे और बाकी चीज लगाया था, इसकी मदद से क्या किया हमने, हमने पास और फेल ले लिया। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये हो गई कि मुझे यहाँ बताना है कि किस सब्जेक्ट में फेल है, किस सब्जेक्ट में फेल है। तो फिलहाल मैं सिर्फ पहला कोई सब्जेक्ट यहाँ पे डालना चाहता हूँ, क्योंकि एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू है। अगर दो में फेल है तो दो नहीं एक भी दिखाना चाहना, क्योंकि कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ इसलिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका सब्जेक्ट वन में फेल है, तो यहाँ पे आना चाहिए सब्जेक्ट वन फेल। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम नेस्टेड इफ लगाएं, क्योंकि इसमें हमारा रिजल्ट जो है चेंज हो रहा है। पर एक रिजल्ट नहीं है, हम एंड और का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारे पास अलग अलग कंडीशन पे सिंगल रिजल्ट हो, बट यहाँ अलग अलग कंडीशन पे मेरे पास अलग अलग रिजल्ट है, तो जाहिर सी बात है नेस्टेड इफ लगेगा। तो यहाँ पे हम वन बाय वन यहाँ लगा रहे हैं, सिंप्लीफाई करके, सब्जेक्ट एफ अंडरस्कोर एट ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे, मेरे पास चार सब्जेक्ट है तो चार वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि चार इनपुट लेना है, हम यहाँ एरे यूज नहीं कर रहे हैं। तो डिम सब्जेक्ट, अब चारों एक ही टाइप के हैं तो हम एक ही साथ लगा देंगे, A2, A3, सब्जेक्ट 4 एज ए हमने लॉन्ग कर दिया, तो एक हो गया। दूसरा मुझे रिजल्ट भी होल्ड करना होगा, क्योंकि इनपुट लेने के बाद आउटपुट देने के लिए कहीं होल्ड करके फिर यहाँ एफ पे लाना होगा, तो मैंने रिजल्ट यहाँ पे आर एज ए हमने कर दिया स्ट्रिंग। तो यहां मैं डिसाइड किया, क्योंकि आर ऐसे नाम है, रिजल्ट आर फॉर रिजल्ट ले लीजिए, आर ले लिया ताकि याद रहेगा, और स्ट्रिंग से लिया क्योंकि जो रिजल्ट है वो पास और फेल टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इसलिए स्ट्रिंग ले लिया। अब लूप में कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो लूप को आप बाद में करें, पहले आप जो है एक सेल को करें फिर उसको लूप में डालें। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इनपुट लोड करने पड़ेंगे ताकि कंडीशन चेक कर सके। तो सब्जेक्ट वन इक्वल टू मैंने लिया कि रेंज B2.val, फिर सब्जेक्ट टू इक्वल टू रेंज, यहां पे हमने लिखा C2.value, फिर सब्जेक्ट थ्री इक्वल टू रेंज, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ठीक है सर, D2.value एंड सब्जेक्ट फोर इक्वल टू रेंज E2.val। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारे जो सब्जेक्ट थे सारे सब्जेक्ट को मैंने इसके ऊपर लोड कर लिया। अब चेक करना है कंडीशन से, बोलिए सर, मतलब फर्स्ट हम एनीथिंग फर्स्ट हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी लोकेशन जी मतलब इनपुट देना पड़ेगा, मतलब दो जी स्टेप्स जी फॉलो करने पड़ेंगे हमें, जी पहले वेरिएबल डिफाइन करना है जो भी चीजें हैं, और उसके बाद उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी कहाँ पे वो है, ठीक है, बस क्योंकि वही मतलब थोड़ा वेरिएबल मैंने आपने, बताया था। पहला स्टेप है आपका वेरिएबल डिक्लेयर करना, दूसरा उस वेरिएबल के ऊपर वैल्यू स्टोर करना, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करने से नहीं होगा, हमने एक जगह लिया तो उस पे घर तो बनाना पड़ेगा ना, हाँ तो सर, हाँ यहाँ सर, पे ठीक हमने अपने सारे वैल्यू को लोड करा दिया। अब है सर, यहाँ 26 चला गया S1 पे, 57 चला गया आपको S2 पे, 79 चला गया S3 पे, और 38 चला गया S4 पे। अब यहां पे मुझे चेक करना है कि जो वेरिएबल इनपुट हुआ है वो मेरे हिसाब से है कि नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मुझे यहाँ पे हर बार अलग अलग रिजल्ट है, इसलिए हम यहाँ पे एन और का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो हमने सब्जेक्ट तो यहाँ पे लिया एस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन। अब यहाँ पे पास तो देना नहीं है, लेकिन अगर 30 नहीं हुआ तो फेल जरूर देना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एल्स के ऊपर आर इक्वल टू बोल देंगे सब्जेक्ट वन फेल, और हमने एंड इफ कर दिया। सॉरी यहाँ पे एंड इफ। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा कि सब्जेक्ट वन और ग्रेटर देन 30 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये इसके अंदर के जो भी होने वाले हैं उसको इग्नोर करके यहाँ पे वो दे देगा सब्जेक्ट वन फेल, और इफ कंडीशन को क्लोज कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने रेंज रेंज में बोला कि F2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हमने बोला आर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं तो रन करते हैं आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वन फेल यहां पे आ गया, क्योंकि इसमें नहीं था सब्जेक्ट वन में। अगर सब्जेक्ट में 62 कर देता हूं तो यहां पे कुछ एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हमने जब 30 हो तो क्या करना है कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अब मुझे यहां पे दूसरा सब्जेक्ट चेक करना है, पर कंडीशन ये है कि दूसरा सब्जेक्ट मैं तभी चेक करूंगा जब पहला सब्जेक्ट मेरा 30 से ऊपर है। जब उसको पहले सब्जेक्ट में 30 से ऊपर नहीं मिला तो फिर दूसरा क्या चेक करेगा, यहां पे रिजल्ट डाल देगा। इसलिए दूसरा इफ जो है मैं नीचे नहीं लगाऊंगा, मैं इसी पे इसी इफ के अंदर लगाऊंगा कि इफ सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल सब्जेक्ट वन नहीं सब्जेक्ट टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन। अब यही पे अब इस इफ का खत्म, यहां अब इस इफ का कांड खत्म है, ऊपर वाले का नीचे वाले का इफ चलेगा। अब यहां पे अगर नहीं होगा तो एल्स आर के ऊपर सब्जेक्ट टू फेल शो कर देगा, और यहां पे एंड इफ कर दिया, तो जितना इफ होगा उतना एंड इफ जरूर होगा। तो यहां पे अगर पहले सब्जेक्ट को चेक किया कि 30 से ऊपर है तो इफ क्या करेगा, दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, तो वो चला जाएगा इस इफ के पास, इस माने कि सब्जेक्ट टू को चेक करेगा इस इफ के पास। और इफ चेक किया कि अगर 30 से ऊपर है तो यहां फिलहाल कुछ नहीं करेगा, नहीं है तो यहीं पे वो एस टू फेल कर देगा। यहां पर मान लीजिए मैं 17 कर देता हूं तो आप देखेंगे यहां पे एस टू फेल लिखा हुआ आएगा। आगे चलिए, अब इसी के अंदर फिर तीसरा है। अब मुझे तीसरा चेक करना है कि क्या ग्रेटर देन 30 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 30 है तो यहाँ पे सब्जेक्ट चौथे को पास करेगा, नहीं तो सब्जेक्ट थ्री फेल करेगा। अब इस इफ का कांड खत्म, अब यहाँ पे हम तीसरे इफ पे आते हैं। इफ सब्जेक्ट थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन, अब यहाँ पे देन क्या करना है, अगर नहीं होगा तो आर इक्वल टू सब्जेक्ट थ्री फेल कर, और यहां पे एंड इफ करें। अब मान लीजिए सब्जेक्ट थ्री अगर आपका 19 है तो क्या रिजल्ट आएगा सब्जेक्ट थ्री। अब कैसे वर्क किया, पहले इसने चेक किया 62 को, 62 जो है एस वन ग्रेटर देन 30 है तो इसने एल्स को फॉरवर्ड नहीं किया, नीचे वाला जो एल्स है इसको फॉरवर्ड नहीं किया, इसने दूसरे इफ को फॉरवर्ड कर दिया। इसने चेक किया कि क्या ग्रेटर देन 30 है, मतलब कि 71 था तो ये भी चेक किया कि सही है, तो इसने भी क्या किया कि दूसरे दूसरे इफ के एल्स इफ को पास नहीं किया, वो तो तीसरे इफ को पास कर दिया। तीसरे इफ ने चेक किया कि क्या ग्रेटर देन 30 है, बोला नहीं है, तो इसने चौथे यहाँ पे जो कुछ लगा होगा उसको पास ना करके वो एल्स को पास कर दिया। एल्स ने एस थ्री फेल यहाँ पे लोड कर दिया और यहीं पे इफ को खत्म कर दिया, जिस कारण से बाहर आगे यहां पे रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब यहां पे मुझे चौथे इफ को करना है कि इफ सब्जेक्ट फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन, और यहां पे हमने बोला आर इक्वल टू पास, क्योंकि चौथा इफ के पास चौथे इफ तक अगर पहुंच जा रहा है इसका मतलब कि तीन इफ जो है सक्सेसफुली है, नहीं तो यहां पे सब्जेक्ट फोर इक्वल टू फेल लिखेंगे।
और यहां पे एंड इफ। तो ये मेरा कंडीशन। अब यहां पे मैंने जो कंडीशन लगाया, जो भी मैक्रो लगाया, वो एक रो के लिए सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, लेकिन ये सेम काम मुझे सबके लिए का चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना होगा, इसको लूप के अंदर डालना होगा। किसके अंदर डालना होगा? लूप के अंदर, क्योंकि लूप के अंदर नहीं डालेंगे तो दिक्कत क्या होगा। कि आपको ये सारा कोड हर एक सेल के लिए अलग लगाना पड़ेगा, तो लूप शुरू कहां से होगा? तो यहां पे वैल्यू भी हर चेंज होनी चाहिए, तो लूप यहां से शुरू होगा। और ध्यान रखिएगा, वेरिएबल कभी लूप के अंदर नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है, किसी भी कंडीशन में वेरिएबल लूप के अंदर नहीं आएगा। तो यहां पे हमने फोर आई इक्वल टू लगाया, टू टू चले एट, और फिर सबसे लास्ट में यहां पे कर दिया नेक्स्ट आई। फिर अभी भी जो है चलेगा तो 8 बार, लेकिन इनपुट तो एक ही सेल से ले रहा है ना हर बार, क्योंकि यहां तो ने फिक्स कर दिया, यहां पे 2 की जगह पे 3 4 5 6 7 8 ऐसे होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको डिलीट कर दिया और इसके साथ हमने आई को कॉन्केट कर दिया। तो प्रोग्रामिंग बनाने का तरीका इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप है, करते जाइए, बनाते जाइए, जिससे आपको कहीं पे एरर आएगा, कहीं पे स्टक होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वैल्यू कहाँ तक है। और नीचे भी F2 को यहाँ पे हम I के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आके रन करूंगा डेवलपर में माइक्रोस, और ये आई थिंक 8 माइक्रो, ठीक है। और समझ में आया सुरेंद्र जी आपको? सर काफी कुछ जी देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। अब आप क्या करें, इसी माइक्रो को जो लास्ट वाला माइक्रो है, आप सभी को बोल रहा हूं, ये सभी का काम है, प्लीज कैमरा मत ऑन कीजिए, सबके साथ यहाँ पे एक काम करना है आपको, यहाँ पे कि यहां सिर्फ एक सब्जेक्ट दिखा रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ पे इसने दो सब्जेक्ट में फेल हुआ, जैसे यहाँ देखिए 22 में फेल, नहीं, 1 मिनट, दो सब्जेक्ट में फेल हुआ, मान लीजिए 22 है और यहाँ पे 21 है, तो अगर मैं इस माइक्रो को रन करता हूं तो एक ही सब्जेक्ट को शो करेगा, एक ही सब्जेक्ट शो किया। अब आपको इस माइक्रो को मॉडिफाई करना है, और इसमें आपको सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 फेल कॉमा करके, यहाँ पे कॉमा लग जाए और सब्जेक्ट 2 फेल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, कोड में हो सकता है कि बहुत सारे लोग फाइल रिसीव नहीं कर पाए, तो इसका कोड, सारा कोड मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, ताकि आप इसको रिट्रीव कर पाए। ठीक है, और हम लूप और इसको इफ को हम कल कंटिन्यू करेंगे। लूप और इफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको धीरे धीरे पढ़ना होगा, और लूप और इफ का आपका खत्म हो जाएगा तो मे बी कल फ्राइडे है, कल मैं खत्म कर दूंगा और मैं आपको फिर दूंगा कुछ छोटे छोटे माइक्रोज के सैंपल, जिसको आप रन करके देखेंगे सैटरडे एंड संडे के लिए। तो इस सैटरडे संडे कुछ प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि इस सैटरडे संडे पूरा आपको मैं लेने वाला हूँ घर पे, ठीक है, क्योंकि मैं करीब 100 से ऊपर छोटे छोटे माइक्रो का एग्जाम्पल दूंगा जो आपको करने पड़ेंगे। अगर उस 100 माइक्रो को कर लेते हैं तो मे बी आपका माइक्रो अभी तक जो सीखे हैं वो मोस्टली आप सीख सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल